हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाई, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और काउंसलिंग प्रोसेस भी जल्द ही स्टार्ट होना है। अप्रॉक्स 16 से यूजी कोर्सेज के काउंसलिंग स्टार्ट होने हैं और पीजी कोर्सेज के काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने जरूरी हैं काउंसलिंग से पहले, जैसे कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है काउंसलिंग का। तो क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर हो सकती हैं, जैसे कि किन कॉलेजेस को हमें प्रेफरेंस देना है, कैसे कैसे अलॉटमेंट होंगी, कहाँ से जाकर हमें ये सब कुछ करना है, वो सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को यहीं लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तब तक हम आप लोगों के साथ हैं। हमने स्टार्टिंग से आप लोगों को हर एक कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो प्लीज एक लाइक कर दो इस वीडियो को और चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो स्क्रीन पे ऐसा कुछ आपके लॉगिन पोर्टल पे, आपका जो स्टूडेंट पोर्टल होगा उस पे जब आप लॉगिन करोगे वहां पे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। और इस जगह पे यहाँ पे आपका एक प्रेफरेंस एंट्री करके सेक्शन बन जाएगा या कॉलम बन जाएगा और आपको उस पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पे आपको बोला जाएगा आप कोर्स सेलेक्शन करो, मतलब अपने कोर्स को चुनो आपका कौन सा कोर्स है। जैसे कि मान लो ये किसी बीए स्टूडेंट का पोर्टल है, तो ठीक है, तो बीए वालों का यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा कुछ। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपका यहाँ पे यूईटी कोर्स कोड, जैसे कि 134 होता है आई थिंक बीकॉम का, और यहाँ पे बीकॉम और ऑनर्स ऐसा कुछ आपका दिखाएगा। तो ऐसे ही आपको चुन लेना है और सिंपली गो पे आप क्लिक कर दोगे। गो पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको 12th में कितने मार्क्स आए थे, उसको परसेंटेज फिगर में आप बताओ। तो कैसा दिखेगा उसका इंटरफेस ये भी देख लो। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे कि मतलब 10+2 है तो आपका 12th का रिजल्ट कितना है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। 76% है तो 76 डाल दो, 78 है तो 70 डालो, 92% है, जो भी है वैसे करके आपको डालना है। ठीक, तो ये चीज आपका होना चाहिए। बोला गया है क्लियरली कि अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट्स तक होने चाहिए। तो ये चीज कंसिडर करके चलना जब भी आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे। अप्रोक्स यूजी के काउंसलिंग्स आपको पता है 16 से स्टार्ट होने हैं, तो इसी के आसपास प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आ जाएगा। तो इन सब चीजों की टेंशन आप मत लेना, मैं सारे चीजों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि बीकॉम, जो बीकॉम एंट्रेंस हुए हैं उसमें कैसा प्रेफरेंस फॉर्म होगा और कैसे प्रेफरेंस अलॉटमेंट्स होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखना आप। तो अब आप अपने स्क्रीन पे देखो, आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसा कुछ है बीकॉम एंट्रेंस का, जो भी बीकॉम एस्पिरेंट्स हैं उनका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या करना है, कैसे करना है, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये टोटल, ये फाइनल फॉर्म निकल कर आता है, एक पीडीएफ निकलेगा, इसको आप प्रिंट करोगे और आपको अपना साइन यहाँ पे करना होगा। जैसे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पे साइन करना रहेगा। मैं अब एक एक चीज को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस स्टेज पे यहाँ पे आप अपना परसेंटेज फिल करोगे। परसेंटेज फिल करने के बाद जब आप गो करोगे ना, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास डिलीट हो गया, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। उसमें क्या था, आपको वहाँ पे चूज करना पड़ता। जैसे कि इस जगह पे देखो यहाँ पे फर्स्ट में बीकॉम एफएमसी लिखा हुआ है ना, बीकॉम एफएमसी, तो वही आपसे यहाँ पे चूज करने के लिए रहता। एफएमसी आप फर्स्ट प्रेफरेंस में दे रहे हो, सेकेंड में एफएमसी का एफएमएम दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट में आपका रहेगा बीकॉम डीएबी, बीकॉम एफएमसी, बीकॉम आरजीएससी, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो जब उसको आप सेलेक्ट करोगे तब ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका कोर्स कोड लिखा रहेगा, जैसे बीकॉम का क्या है 133 है, कॉमर्स मैंने ऊपर 34 बोल दिया था तो सॉरी 133 था। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स लिखा रहेगा और प्रेफरेंस एंट्री फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सीट। अब देखो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बीकॉम का जब भी काउंसलिंग होता है तो चाहे वो मेन कैंपस के लिए हो चाहे एफिलिएटेड के लिए हो, उन सारे का काउंसलिंग बीएचयू के अंदर ही होता है और कोशिश किया जाता है 4 दिन के अंदर बीकॉम का काउंसलिंग निपटा लिया जाए। ठीक, तो ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे रोल नंबर देखने को मिलेगा, मैंने हाइड कर दिया है, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का है प्रीवियस ईयर का। फिर आपका कौन सा जेंडर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इंडेक्स,
इंडेक्स आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, जैसे कि स्टूडेंट्स के आ रहे हैं 347, 244, जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। फिर आपके ओवरऑल रैंक कितने हैं, टोटल ओवरऑल की बात की गई है यहाँ पे, तो ओवरऑल रैंक यहाँ पे आपका शो करेगा। फिर एक पॉइंट यहाँ पे आप न्यू देख रहे होगे, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट, ये देखो होता क्या है कंपोजिट इंडेक्स फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट। जनरली इसमें आपका एक पॉइंट डिसाइड किया जाता है, पॉइंट आपको दिया जाता है। आप अब ये पॉइंट कैसे मिलता है, ये पॉइंट आपके डिस्टेंस पे मिलता है, आप कितने दूर से आ रहे हो ये मैटर करता है, प्लस आपके कितने मार्क्स हैं, मतलब आपने कितना स्कोर किया है BHU एंट्रेंस एग्जाम में, ये इन दो चीज पर कंपोजिट इंडेक्स हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए डिसाइड किया जाता है। अब जो लोग बहुत ही दूर से आ रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई दिल्ली से आ रहा है और कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉस्टल अलॉटमेंट पॉइंट जो होगा उसका थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा है। हाँ, वाराणसी वाले को हॉस्टल मिलने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं रहता, मिलता ही नहीं है उनको हॉस्टल, क्योंकि वो बहुत ही उसी सिटी में है, BHU के अंदर ही है, तो उनको हॉस्टल मिलने का कोई चांस नहीं रहता है। अब आगे मैं डिस्कस करूँ, तो जैसे यहाँ पे आप नेम देख रहे हो, तो आपका यहाँ पे नेम दिखेगा, जैसे अगर मेरा नाम शिवम शानू है तो यहाँ पे शिवम दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपने कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स दिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको 10+2 मतलब 12th के मार्क्स आपको देने हैं यहाँ पे, तो मान लो आपके 88% आए, तो आप सिंपली यहाँ पे 88% आपका यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिकली। मैंने हाइड किया है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे मार्क्स था और यहाँ पे रोल नंबर था, ये तीन चीज़ मैंने हाइड कर दिया है। ठीक, अब आता है प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेस, सॉरी हॉस्टल रिक्वायरमेंट। इसमें ये पूछा गया कि आपको हॉस्टल की ज़रूरत है, तो आप यस चूज़ कर दोगे अगर आप दूसरे सिटी से आ रहे हो या वाराणसी के ही हो, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस करोगे, लेकिन ज़्यादातर वाराणसी वाले नो करते हैं क्योंकि उनके वहाँ पर फैमिली रहती है, वो उनके साथ रह लेते हैं। तो ये जो देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये फाइनल प्रिंटेड है, मतलब कि जब आप प्रेफरेंस एंट्री में ये सब कुछ सेलेक्ट कर दोगे तब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आता है कि आप कौन कौन से कोर्स को कैसे प्रेफरेंस देना चाहते हो, उसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि BCOM ऑनर्स FMC दिया गया है, FMC का मतलब होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, तो ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब ये है कि हाँ आप इसमें पढ़ना चाहते हो, कि आपको ज्यादा इसी में जाने का मन है, आपको इसी में एक सीट चाहिए FMC के अंदर, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के अंदर, और आपको यहाँ से BCOM ऑनर्स करना है। फिर आपके पास वहाँ ऑप्शन रहेगा एक BCOM ऑनर्स FMM का। FMM एक फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जो कि एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, ये मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है और साथ ही साथ साउथ कैंपस में ये ऑफर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर FMM करना चाहते हो या सिर्फ BCOM ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना होगा। प्रेफरेंस में आपने जैसे किसी स्टूडेंट ने सेकेंड नंबर पर दिया है BCOM ऑनर्स FMM, ये चाहता होगा कि इसका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में ले, उससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर थर्ड, इस स्टूडेंट ने DAV को प्रेफरेंस दिया है कि अच्छा चलो BCOM ऑनर्स मेन कैंपस में नहीं मिला, FMM भी नहीं मिला मेन कैंपस में, तो चलो DAV दे दो, जो भी मिल रहा है, थर्ड प्रेफरेंस ये डाल दिया मैंने। अब DAV के बाद इन्होंने फोर्थ प्रेफरेंस दिया है BCOM ऑनर्स RGSC का, राजीव गांधी साउथ कैंपस का, जो कि कहाँ है मिर्ज़ापुर में। फिफ्थ प्रेफरेंस इनका है BCOM ऑनर्स FMM, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो कि RGSC भी ऑफर करता है। तो ये कुछ पांच ऑप्शंस मिलते हैं बॉयज़ को, बॉयज़ को पांच ऑप्शन मिलेंगे, गर्ल्स को टोटल सात ऑप्शन मिलेंगे। उनके लिए और भी प्रेफरेंसेस रहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्स नंबर पे BCOM AMPG, ऐसा कुछ उनका प्रेफरेंस रहेगा। और सेवन्थ प्रेफरेंस उनका रहेगा वसंता कॉलेज, वसंता VCW या VK, हाँ वसंता कॉलेज, तो ये राजघाट में है, तो ऐसा कुछ आपका वहाँ पे प्रेफरेंस फॉर्म दिखेगा गर्ल्स का, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ ये डिटेल्स दिए गए हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ लो। फाइनली आपको यहाँ पे इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा अपने पोर्टल से, और आपको यहाँ पे अपना साइन करना होगा, आप स्टूडेंट हो कैंडिडेट हो, आप अपना यहाँ पे साइन कर दोगे, तो ये चीज़ ऐसा कुछ होता है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कैसा प्रेफरेंस देना है, अगर आप BCOM के स्टूडेंट हो और आपने अगर ग्रेजुएशन कहीं मतलब ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में ही CA परस्यू करने का सोचा है, तो आपको कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए। देखो एक बात क्लियर कर दूं, मेन कैंपस बेस्ट है ये आप सबको ही जानते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि DAV खराब कॉलेज है, DAV भी बेस्ट कॉलेज के अंदर आता है, RGSC भी बेस्ट है, ये सारे ही BHU के पार्ट हैं, डिग्री
सेम रहेगा आपका। तो इन सब से कोई भी मतलब नहीं आपको कोई भी कॉलेज मिले, लेकिन मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, अगर बीकॉम एफएमसी आपको मिलता है तो यहाँ पे अटेंडेंस का झंझट हो सकता है, होगा ही। डीएवी में थोड़े से कम चांसेस रहते हैं। तो अगर आप सीए स्टूडेंट हो, अगर चाहते हो कि साथ साथ सीए परस्यू करना, तो आप कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस में डीएवी को डाल सकते हो। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ऐसा कुछ रहता है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं इरेज कर देता हूं इसे। मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसा ही प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म रहता है, वो ज़्यादा प्रेफरेंस मेन कैंपस को देते हैं। अगर मेन कैंपस नहीं मिलता है, मेन कैंपस के लायक उनका मार्क्स नहीं रहता है, तब वो डीएवी को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, क्योंकि मेन कैंपस में कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना। अगर आप सीए करना चाहते हो, अटेंडेंस का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो हाँ आप डीएवी के लिए जा सकते हो। आप यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस या फर्स्ट प्रेफरेंस में ही डीएवी को दे सकते हो। तो ऐसे करना है। गर्ल्स को क्या करना है, गर्ल्स का भी मैं क्लियर कर दूँ आपके लिए। देखो, सबसे पहले फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको एक हर एक पॉइंट को देखना होगा, हर एक एस्पेक्ट को, कैसा फी स्ट्रक्चर है, कहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, कहाँ अटेंडेंस का क्या झंझट है, ये सब कुछ देखते हुए आपको सही सही प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि आगे आने वाले 3 साल आपको उसी कॉलेज में बिताने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे कि आप, मैं सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आप चाहते हो मेन कैंपस में एडमिशन लेना, तो आप सबसे पहले बीकॉम एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स, ये फर्स्ट प्रेफरेंस दो, क्योंकि ऑनर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सेकेंड प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हो एफएमएम करना, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, तो आप सेकेंड प्रेफरेंस एफएमएम को दे सकते हो, ठीक। थर्ड प्रेफरेंस मैं गर्ल्स को भी कहूँगा डीएवी देने के लिए, बॉयज़ को भी थर्ड प्रेफरेंस डीएवी देने के लिए कहूँगा। लेकिन अगर आप एफएमएम कोर्स नहीं करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो, डीएवी को सेकेंड प्रेफरेंस में लेकर जा सकते हो। डीएवी अच्छा कॉलेज है, फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 10,322 है, अटेंडेंस का कोई भी झंझट नहीं है। दिक्कत क्या होती है भाई, अटेंडेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, सॉरी अटेंडेंस तो यहाँ पे एक बेनिफिशियल पॉइंट हो गया हमारे लिए, हॉस्टल देखने को आपको नहीं मिलता है। फोर्थ, आप गर्ल्स हो तो अगर आप ये कर सकते हो कि आप एएमपीजी देख सकते हो फोर्थ प्रेफरेंस में। क्यों दे सकते हैं हम, क्योंकि ये मेन सिटी में है, चेतगंज में, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और फिफ्थ में चाहो तो आप राजघाट, मतलब VCW दे देना, राजघाट में। अब देखो, मैं यहाँ पे VKM लिखो, VCW लिखो, इसमें कन्फ्यूज़ मैं कर गया हूँ, मैं एक बार चेक कर लूँगा इसे। और सिक्स्थ में आप RGSC देना। क्यों RGSC सिक्स्थ में, क्योंकि ये वाराणसी से बहुत ही दूर, 60 किलोमीटर दूर है मिर्ज़ापुर में, लेकिन जो कि मुझे सही बिल्कुल नहीं लगता है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। आप सबसे लास्ट में चाहो तो इसे रखना। लेकिन हाँ, एक और सेवन्थ प्रेफरेंस आपका ये होना चाहिए, RGSC FMM, क्योंकि RGSC में आपको FMM भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप जब प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे तो आपका ऐसा ही कुछ इंटरफेस होगा। वही मैं BA वालों की बात करूँ तो उनको वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगी, मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। बीकॉम स्टूडेंट ज़्यादा थे तो मैंने सोचा बीकॉम का करवा दो सबसे पहले। मैं फिर से पॉइंट को आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपको 3 फैक्टर आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले फैसिलिटीज़, फिर उसके बाद दूसरा अटेंडेंस ध्यान में रखना। फैसिलिटीज़ के अंदर हॉस्टल आ गई, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। थर्ड आपको फ़ी स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, उस अकॉर्डिंग आप देना। अब मैं फ़ी स्ट्रक्चर बता दूँ, मेन कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 3000 के आसपास या 3500 के आसपास फ़ी है, चाहे बीकॉम एफएमएम हो। और बीकॉम एफएमएम का फ़ी स्ट्रक्चर कुछ अलग है, मैं ये कन्फर्म अभी नहीं बता सकता हूँ, मुझे रूल्स प्रोसीजर और फ़ी स्ट्रक्चर का देखना होगा, वो PDF, तभी मैं बता सकता हूँ। कुछ ज़्यादा फ़ी है जहाँ तक मुझे लगता है FMM कोर्स का, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। DAV की फ़ी की बात करूँ तो 10,322 है। AMPG का फ़ी गर्ल्स के लिए, जो कि गर्ल्स के लिए ही कॉलेज है, टोटल 25,000 इसका फ़ी है। वसंता का भी 25,000 फ़ी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और RGSC का 27,000 फ़ी है। तो ये कुछ ऐसे फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। मेन कैंपस में हॉस्टल जनरली उन्हीं को मिलता है जिनका मार्क्स बहुत अच्छा हो, जैसे कि 290, 300, इन सब के पास जिनका भी मार्क्स है उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। DAV में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, AMPG में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, वसंता में हॉस्टल फैसिलिटी है, लेकिन ये आप एक बार कंफर्म कर लो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट से। RGSC में सभी लोगों को हॉस्टल मिलता है, चाहे वो FMM हो चाहे ऑनर्स हो, BCom ऑनर्स।
तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपना कुछ सजेशन कमेंट में ज़रूर देकर जाना। ये भी बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, जैसे कि अभी बहुत सारे रूल्स निकले हैं यूजी गाइडलाइन से रिलेटेड BHU के, फिर फी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे पेमेंट हमें करना है, फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा होगा, फिर आप ये कह सकते हो लॉकिंग रूल क्या है। इन सब सारे टॉपिक्स पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप सर ये वीडियो लेकर आओ, ये वीडियो, ऐसे वीडियोस लेकर आओ आप। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कि BCom परस्यू कर रहे हैं और करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।